नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता वार। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान के जालौर में एक दलित बच्चे के साथ में शिक्षक द्वारा पीटकर मात्र घड़े से पानी लेने पर उस बच्चे की जान ले ली जाती है, तो देश भर के जो कथित दलित देशी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों विभिन्न प्रदेशों के, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हों या मंत्री हों, उन सबको लगता है सांप सूंघ गया है। किसी का भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इक्का दुक्का लोगों का बयान सामने आया है, जैसे मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया है और एक दो लोग और गए हैं, राजस्थान के सचिन पायलट भी पीड़ितों से मिलने के लिए गए हैं, यानी कि मृतक के परिजनों से मिलने गए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं, इसके अलावा भी इस खबर के बहुत पहलू हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो आज हम इस खबर के सभी पहलुओं पर बात करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस प्रकार से अभी तक जो होता आया है, इतिहास गवाह है कि दलितों के साथ जब जब शोषण हुआ है, तब तब इस मनवादी और मनुस्ट्रीम मीडिया ने दलितों के साथ हमेशा ही गद्दारी की है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही कुछ आज और लगातार दो तीन दिन से ये मनवादी मीडिया कर रही है। जब एक 9 साल के बच्चे की मात्र पानी लेने पर शिक्षक द्वारा पिटाई कर दी जाती है, तो इस पूरे कथन को ये मनवादी मीडिया बदलने की कोशिश कर रही है। और जो दोषी है इस हत्याकांड का, अपराधी है जो अपराधी छैल सिंह राजपूत, उसको बचाने के लिए पूरा पूरा प्रयास ये मनवादी मीडिया कर रही है। साथियों, केवल मनवादी मीडिया ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सवर्ण समाज, जो अपने आप को कथित तौर पर ऊंचा मानते हैं, वो पूरा समाज पंचायत करता है जालौर के अंदर और ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर शिक्षक की कोई गलती नहीं हुई है और ना ही शिक्षक ने इस बच्चे को मटके से पानी लेने के लिए पीटा है। दरअसल देखिए, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है, जो जालौर का डिस्ट्रिक्ट संस्करण है, उसमें बच्चे की पिटाई मटके से पानी लेकर नहीं हुई। दो बच्चों का चित्रकला के ऊपर आपस में झगड़ा होने पर शिक्षक ने दोनों ही छात्रों को एक एक तमाचा मारा। मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, आप भी थोड़ा अपना विवेक और तर्क लगाइए कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो एक थप्पड़ से इतना बुरी हालत हो जाएगी। आप तस्वीरें, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, ये जो छात्र है जो कुर्बान हुआ है बहुजन समाज के लिए, इंद्र कुमार मेघवाल, मैं तो उन तस्वीरों को सच कहूं तो देख भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर यह दिखा रहा हूं। क्या एक थप्पड़ से इस तरीके की घाव होंगे, ये बड़ी बात है। और भी इस खबर की पहलू है, उनको भी मैं बताऊंगा। जैसे कि ये तथ्य दिया जा रहा है कि नहीं, घड़े की बात के ऊपर नहीं पीटा गया, तो मैं उस शिक्षक से और जो तमाम मनवादी मीडिया के लोग हैं और जो तमाम जो लोग जो उस अपराधी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं। चलो मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि घड़े से पानी लेने के ऊपर नहीं पीटा, तो क्या किसी अन्य बात के ऊपर किसी भी बच्चे को, मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी इलाज के दौरान जान चली जाए? इसका जवाब आप कैसे दोगे और क्या दोगे? और इन सबसे बड़ी एक और बात यह है कि इस भारत के अंदर जो कहते हैं ना कि जातवाद नहीं है, घड़े के ऊपर, घड़े से पानी लेने के ऊपर ये घटना नहीं हुई है और ना ही घड़े से पानी लेने के ऊपर बच्चे को पीटा गया है, जो ये तथ्य रख रहे हैं, जो ये तर्क रख रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस भारत के अंदर ग्रामीण स्तर पर ऐसा कौन सा विद्यालय है जहां पर अध्यापकों के लिए अलग से पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है? जो जातवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनको लग रहा है कि छैल सिंह राजपूत निर्दोष है, छैल सिंह राजपूत की कोई गलती नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, छात्रों और शिक्षक एक ही जगह पानी पीते हैं। कल मैं आपको, कल से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, डेली आपको 10 स्टोरी करके दूंगा, गांव गांव जा करके दिल्ली को छोड़ दूंगा,
आप जाओ आपके आउटसोर्स के गांव में, देखो स्कूलों में, देखो कि क्या हाल है। आज भी ये हकीकत है। दलित बच्चों को तो छोड़ो, जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे होता है तो दलित जो लोग होते हैं उनको भी अलग से बैठाया जाता है। इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? और गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है। अब ये वीडियो देखिए आप, ये स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें डायरेक्ट रिपोर्टर अंदर जाता है और अंदर जाके टीचर इशारा कर देता है उस लड़के की ओर कि इस पे बुलवा। और वो लड़का बड़ी आसानी से बोल रहा है कि हम दोनों में झगड़ा हुआ था और इसलिए सर ने दोनों को चाटा मारा। उस दिन जिस बच्चे के साथ में सर मार जो बताया, अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका बेटा? राजेश। राजेश क्या कुछ हुआ था बेटा? उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, टीचर ने हम आके हम दोनों कान के नीचे एक एक थप्पड़ दी थी। अब बताइए, रिपोर्टर अगर निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहा है तो सभी बच्चों से पूछता है स्टार्टिंग से, लास्ट वाले से क्यों पूछी? इतना ही नहीं, अब आगे देखिए, किसी ने कुछ बोला होगा लेकिन ये वीडियो रेगुलर नहीं चलाया है। आप देखो यहाँ पर कट है, यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हो एकदम अलग से अलग फ्रेम आया है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जो तमाम मनवादी मीडिया है, तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर से जातवाद मिटे, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा आए, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता आए। और यही हाल देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का भी है। अब आम आदमी पार्टी से लेकर के चाहे बीजेपी देख लो, कांग्रेस देख लो, सबका यही हाल है, सबका यही रोना है। अरविंद केजरीवाल जी का कोई बयान आया इस पूरी मीडिया में? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आया। अगर आपके हिसाब से आया हुआ है तो आप बता सकते हैं। साथियों केवल इतना ही नहीं, बेशर्मी जो देखिए, जो कांग्रेस की गहलोत सरकार की, जो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, इसकी बेशर्मी की पूरी हद पार हो गई। जब किसी सवर्ण की जान जाती है, जब किसी सवर्ण की हत्या होती है तो 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाती है परिवारजनों को, और जब एक दलित बच्चे की हत्या होती है तो उसकी जान की कीमत मात्र 5 लाख रुपए आंकी जाती है। ये कहां का न्याय है? ये कैसा दलित प्रेम है? ये कहां के दलित देशी हैं? ये जवाब मैं उनसे पूछ रहा हूं जो नेता, जो खास करके बहुजन समाज के नेता, जिन्हें समाज से बदबू आती है, समाज के नेताओं से बदबू आती है, समाज के सोशल एक्टिविस्ट से बदबू आती है, जो समाज के बुद्धिजीवियों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों में फर्श उठाने में, उनके कार्यालयों में झाड़ू लगाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं क्या यही आपकी पार्टियों का दलितों का प्रेम है? चाहे गांव हो या कस्बा हो, यहां तक कि जो ये दिल्ली है, ये हकीकत बात है। आज से मैंने 8 दिन पहले यहां पर घर से पिटिया, अपना फ्लैट चेंज किया। आज भी दिल्ली में खुद मुझसे मेरी जात पूछी गई कि आप किस जाति से। मैंने बताया मैंने अनुसूचित जाति से, तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, अनुसूचित जाति नहीं, आप जाति बताइए, जाति किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब दिल्ली जैसे शहर में जाति के नाम पर कमरा या घर किराए पर मिलता है और गांव के क्षेत्रों में जातिवाद नहीं होता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, दो ट्वीट किए उन्होंने। पहले ट्वीट में किया है कि SC ST OBC के लोग ये अखबार क्यों पढ़ते हैं, सभी सरकारी नौकरियों से लेकर जो टेंडर और न्यूज ये सब इंटरनेट पर जब आता है तो आप ऐसे अखबारों को क्यों ग्राहक बन रहे हैं, इन अखबारों को क्यों मजबूत बना रहे हैं आर्थिक रूप से? क्योंकि ये आपके काम आने वाले नहीं है, ये आते हैं तब अपने अपराधियों को, सवर्ण जाति के जो अपराधी हैं, दलित शोषितों पर अत्याचार करते हैं, उनको बचाने का काम ये करते हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आखिर ये मनवादी मीडिया ने अपनी नीचता दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रवैया है, और 36 गांवों के लोग पंचायत करके ये इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, टीचर की कोई गलती नहीं है। जो लोग मान रहे हैं कि इस टीचर की कोई गलती नहीं है, वो बता दें कि स्टाफ के लिए अलग से पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है। माना कि चलो बच्चों से छुआछूत करके ये जालौर में नहीं रखा होगा घड़ा, लेकिन शिक्षक कभी कभी सेपरेट अपनी ऑफिस में ही रख लेते हैं, और उस टंकी में पानी नहीं होगा, शायद टंकी का पानी खत्म हो गया होगा तो बच्चे ने प्यास लगने पर उसके मटके से पानी पिया होगा। 47 डिग्री तापमान रहता है,
राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, वहां पर कोई मटका नहीं रखेगा, ये कैसे हो संभव है। तो साथी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे गिला शिकवा किसी से नहीं है, अगर गिला शिकवा है तो मुझे अपने बहुजन समाज के नेताओं से है कि आप ये लालच के चक्कर में पड़ के इनकी चापलूसी करने में लगे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, और झूठे घड़ियाल के आंसू बहाना बंद करो। अगर हकीकत में आप दलित देसी हैं तो लात मारो इनकी कुर्सी पर, लात मारो इनकी पार्टी पर, और लात मारो इनके सोच पर, अपने समाज के उत्थान के लिए, मृतक इंद्र कुमार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आए। आप इस बात से क्यों डर जाते हैं कि पार्टी हमें निकाल देगी या पार्टी क्या कहेगी? आप सोचिए, जब किसी भी बहुजन समाज की पार्टी होती है जिसका मुखिया बहुजन समाज के नेता होते हैं, उनमें ब्राह्मण, ठाकुर और अग्रवाल जो भी आते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधे करने के लिए आते हैं, वो अपनी बात भी बड़ी आसानी से बहुजन विचारधारा वाली पार्टी में कह जाते हैं। फिर ये दलित समाज के और बहुजन समाज के नेता किस गलत फहमी में जी रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नमस्कार।